डभोई तालुकाना कनाईडा गामे युवकों द्वारा नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां मोटी संख्या में क्रिकेट निपुण रमतवीरोनी टीमोए भाग लीधो। छेल्ला बे मासथी चलती टूर्नामेंट नी फाइनल मैच राजपीपळा अने कायावरण वच्चे रमाई हती। राजपीपळा नी टीम नो भव्य विजय थता उपस्थित महानुभवो प्रदेश कारोबारी सभ्य शशिकांत भाई पटेल, डॉक्टर बीजे ब्रह्मभट्ट, डॉक्टर महेन्द्रभाई पटेल, सुखदेवभाई पाटणवाड़ियाना वरद हस्ते विजेता टीम ने ट्रॉफी एनायत करवामां आवी हती। क्रिकेट माटे उत्सुक खेलाड़ियों आगळ वधे देशनी टीम में भाग लई डभोईनुं पण गौरव वधारे तेवी शुभेच्छा महानुभवो द्वारा पाठवामां आवी हती। आज रोज कनाईडा गामडी खाते जे नाइट टूर्नामेंट रमावानी चालू थई हती एनो आज अंतिम दिवस फाइनल मैच छे। बे टीमो फाइनल में आवी छे। सतत बे महीना थी आ टूर्नामेंट चाली रही है। लगभग 140 जेवी टीमों अहीं भाग लीधो हतो अने गामना जवानिया आगेवानोए खूब मेहनत करीने आटली बधी टीम एकठी करी अने जे एकताना दर्शन कराव्या ए बदल कनाईडा गामना सरपंच अने सौ नागरिकोने हूँ अभिनंदन आपूं छूं। टीममां एक टीम जीतवानी छे, एक टीम हरवानी छे, ए नक्की छे, परंतु स्पोर्ट्समेन स्पिरिट थी आज सुधी जे मैच रमाई ए बदल खरेखर सौ ग्रामजनोने अने बहारथी आवेली सौ टीमोने हूँ अभिनंदन आपूं छूं। बीजू आजे फाइनलमां कारवारनी साई इलेवन अने राजपीपळानी अंबे इलेवन आ बे टीमों वच्चे आजे फाइनल रमाई रही छे अने आ बन्ने टीम अत्यारे अहींया हाजर छे। अत्यारे टॉस उछाड़ीने तेओ पोतानी गेम चालू करशे। 10 ओवरनी मैच छे। 10 ओवरनी मैच बन्ने टीम ने पताव्या पछी जे टीम प्रथम आवशे एने ट्रॉफी एनायत करवामां आवशे अने जे कंई वधारानो सील छे, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फिल्डर, पछी एक मैन ऑफ ध मैच, मैन ऑफ ध सीरीज, आ रीते ઘણી બધી ટ્રોફીઓ અહીંયા આગળ મૂકવામાં આવી છે જે ઇનામ સ્વરૂપે આપવામાં આવશે। ફરી વખત આયોજકોનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। એમાં એમના જે મુખ્ય આયોજકો છે એ સિદ્દીકભાઈ, તોસીફભાઈ, ફિરોજભાઈ, અલ્લુભાઈ, મુનિરભાઈ, મહેશભાઈ, અમીનભાઈ, નિષાદભાઈ ને સોનમભાઈ, આ સૌને હું અભિનંદન આપું છું। અને સૌ તો સૌથી વધુ તો હું આ ગામના રહીશ એવા સુખદેવભાઈ પાટણવાડિયા અને ધરમપુરીના રહીશ બાબાભાઈ કે જેઓને જેઓનો આ વિસ્તાર કહેવાય છે અને આપ લોકોએ તેઓને ખૂબ મહેનતથી એમને આગળ લાવ્યા હતા એ બદલ આપ સૌનો બાબાભાઈ વતી પણ હું આપ સૌનો આભાર માનું છું। ને તેઓને પ્રતિષ્ઠાના જે પોતાનું મતદાન કરી ને આગળ વધાર્યા એ બદલ પણ આપ સૌનો આભાર માનું છું। હિતેશ જોશીનો રિપોર્ટ, એસ9 ન્યૂઝ, ડભોઈ।